कॉस्मिक इनर्सिया में चला है ना। अपन होली वोली में क्या करते हैं कि थोड़ा सा गीला नशा कर लेते हैं, भांग वाला, भांग सुना है? कोई बात नहीं, इसमें सुना ही होगा ना, तुम मत करना, बस ये समझाने के लिए। तो भांग के नशे में क्या होता है साहब कि जब भांग का नशा इंसान कर लेता है तो उसका जो दिमाग का स्टेट होता है वो इनर्सिया को एब्जॉर्ब करता है। अब वो जिस भी स्टेट में चला जाता है ना उसी स्टेट को कंटिन्यू रखता है। जैसे मान लो तुमने भांग खा के सो लिया तो साहब तुम उठोगे नहीं 2-3 दिन तक, और भांग खा के डांस करने लगे तो डांस ही करते रहोगे। कभी सुना है ऐसा, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर देखा है। तो वही तो है इनर्सिया, जिस भी हम स्टेट में चले जाते हैं उसी स्टेट को कंटिन्यू रखने में भांग मदद करता है। अब ये मत बोलना कि इनर्सिया इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ भांग। कई लोग भांग को समझते नहीं होंगे क्या कहते हैं, एक तरह का गीला नशा होता है वो, कई तरह के नशा होता है, सस्ता नशा, सूखा नशा, गीला नशा। तो इनर्सिया, अमाउंट ऑफ इनर्सिया इज अ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ भांग। कितना भांग खाया इनर्सिया उतनी मजबूत हो गई। अब 2 ग्राम भांग खाया, पिताजी यार 2 थप्पड़ मारे, इनर्सिया टूट गया। इनर्सिया टूट गया, हाँ ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, बहुत होली खेल लिया। अब साहब तुमने 20 भांग उसमें दूध में मिला के देते हैं, शिवरात्रि या होली में लोग सेवन करते हैं इसका, भगवान का प्रसाद मान के, भोले बाबा का प्रसाद है वैसे भांग है ना, भोले बाबा का प्रसाद है। 20 ग्लास भांग पी लिया, 20 ग्लास भांग पी लिया, आ रहे उधर पिताजी, आओ क्या हाल है चचा, आओ। अब पिताजी को ही चचा बोल रहे, तुम आओ चचा डांस करते हैं। चचा 2 थप्पड़ दिए, अरे चचा मजे आ रहे डांस करो, बोलते हैं चचा आओ घर पे शाम को हम बताते हैं तुमको कौन चचा है। तो ये इनर्सिया होता है, हम मतलब भूल जाते हैं कि सामने कौन है, कैसा है, किस लिए है, हम भूल जाते हैं, हम इनर्सिया ऑफ